हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं। अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं। मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे। मैं आपको निष्पक्ष नहीं बल्कि सत का पक्षधर देखना चाहता हूं कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं बिहार की जनता आपसे आशा करती है कि सरकार अगर भटक जाए तो उसको लगाम लगाना आपको काम होगा। बिहार की बड़ी समस्याएं हैं, वक्त आएगा तो बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको मुबारकबाद देते हुए, मैं जिस सीमांचल से आता हूं वो सीमांचल बाढ़, बेरोजगारी, अनपढ़ और बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रस्त है। हमारी आप पुरजोर वकालत करेंगे। और बिहार में इस वक्त धार्मिक तनाव का जो बिगाड़, अपने अध्यक्ष मत बनिए, अध्यक्ष जी हैं, अरे बड़े अच्छे अध्यक्ष बनाए हैं आपने, उसका आदर कीजिए। मैं आप ही बनाए हैं और आप ही आदर नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार की नई नस्ल की शिक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों का, पलायन वाले मजदूरों का, बच्चों की पढ़ाई जो कोरोना से रुकी हुई है उसका, और बिहार में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने का, और हमारी गुलनाज की जो इज्जत टूटी है उसको इंसाफ दिलाने के लिए सरकार को जरूर मजबूर करेंगे। हम यही आपसे उम्मीद भी रखते हैं और यही आशा भी रखते हैं ताकि आपके सदन में जो समय गुजारे जाए आने वाली पीढ़ी उस पर नाज करे।